हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्वीट कॉर्न की सब्जी की रेसिपी, जो कि हमने बनाई है एक अलग स्टाइल से। यहाँ मैं ले रही हूँ स्वीट कॉर्न को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट कर। हमें इसे एक बार बॉईल कर लेना है। यहाँ मैं इसे कुकर में डालकर पानी डाल देती हूँ। यहाँ मैंने तकरीबन एक गिलास पानी डाला है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसे हम एक विजिल आने तक बॉईल करेंगे। यहाँ मैंने इसे बॉईल होने रख दिया है। अब हम चलते हैं अगली स्टेप की तरफ। यहाँ मैं ले रही हूँ एक बड़ा बॉल कटे हुए प्याज। इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक मिक्सर के जार में। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 इंच अदरक और एक बड़ी हरी मिर्च को पीसेस कर। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 इलायची और 4 से 5 लौंग। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये रेडी है हमारा प्याज का पेस्ट बनकर। अब हम इसे एक बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी पॉट के अंदर फिर से हम पीसेंगे टमाटर को। यहाँ ले रही हूँ मैं एक बॉल भरकर टमाटर कटे हुए। इसके अंदर हम डालेंगे 10 से 15 काजू के 2 पीसेस, थोड़ी सी खरबूजे की गिरी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इसे भी मिक्सर में पीस कर इसकी प्यूरी बना लेंगे। ये रेडी है हमारी टमाटर की भी प्यूरी बनकर। अब हम इसे भी एक बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमारे कॉर्न भी बॉईल हो चुके हैं, हमने इसे एक बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। यहाँ मैं गैस पर चढ़ा रही हूँ एक पैन, उसके अंदर डाल रही हूँ 3-4 टेबल स्पून घी। हमें ये सब्जी को घी में ही बनाना है। यहाँ हम डालेंगे 4 से 5 तेज़पत्ते और प्याज की प्यूरी और इसे अच्छे से ऑयल छूटने तक हम पकाएंगे। ये देखिए हमारी प्याज की प्यूरी में ऑयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर की प्यूरी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर इसे भी ऑयल छूटने तक इस तरह पकाएंगे 3 से 4 मिनट। ये देखिए अच्छे से पक चुकी है हमारी ग्रेवी। अब हम इसे लीड लगाकर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ये देखिए ऑयल भी छूट चुका है और ग्रेवी भी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून रेड मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला, 1 टेबल स्पून गरम मसाला। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे पकने देंगे। हम इसे एक बार लीड लगाकर रख देंगे ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह सब्जी से अलग हो जाए। यहाँ मुझे सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो मैं इसके अंदर डालती हूँ 1/2 कप वाटर। अगर आपकी प्यूरी प्याज टमाटर की थोड़ी सी लूज़ हो तो आप ना डालिए। बस हमारी सब्जी रेडी है बनकर। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून क्रीम। आप चाहे तो घर की मलाई भी डाल सकते हो दूध पर बनी हुई। अब सब्जी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने बॉईल कर रखे थे वो कॉर्न के पीसेस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के साथ ताकि जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो कॉर्न के अंदर अच्छे से आ जाए। अब 2 मिनट हम इसे ऐसे ही ढक्कन लगा के पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और सब्जी भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब रेडी है हमारी सब्जी सर्विंग के लिए। अब हम इसे निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेट में। आप इस सब्जी को एक बार घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। इसे अगर आप जवारी की रोटी या मक्के की रोटी के साथ खाओगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। अब हम इसे गार्निशिंग कर लेते हैं कोरिएंडर लीव्स के साथ। आप भी इस रेसिपी को एक बार घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाँ कमेंट्स कर ज़रूर बताना। थैंक यू।